धर्मपद गाथा नंबर 44 और 45। पुष्प वर्ग यानी कि फूल वाला जो वर्ग है, फ्लावर सेक्शन। जैसा मैंने इसके इंट्रोडक्शन में आपको बताया है कि इसमें सारी गाथाएं पुष्प यानी फूल या फूलने से संबंधित है, यानी जब फूल फूलता है तो उसे ही पुष्प बोलते हैं। एक बार सावित्री में जैतवन जो मंदर है, मंदर उसको बोलते हैं जहां मन के दर्द को दूर किया जाता है, मन के दुख को दूर किया जाता है, उसको मंदर बोलते हैं, बिहार भी बोलते हैं। तो जब भगवान बुद्ध एक बार जैतवन बिहार की तरफ जा रहे थे तो लगभग 500 के करीब भिक्खु आपस में बात कर रहे थे। उनकी बात का जो विषय था वो विषय आम विषय भी है, क्योंकि अधिकतर जो लोग हैं बड़े जिज्ञासु होते हैं, उन्हें इस बात से तो कोई मतलब नहीं है कि उनका सुख कैसे है, शांति कैसे है और दुख कैसे आता है, कैसे नहीं आता। वो उन प्रश्नों में ज्यादा लगे रहते हैं जिनसे उनके सुख दुख और जीवन का कोई मतलब नहीं। तो भगवान बुद्ध का जो सावक संघ था, जो 500 के 500 भिक्खु थे जो सीख रहे थे, वह भी उन्हीं बातों में लगे हुए थे। जैसे पृथ्वी को किसने पैदा किया, पृथ्वी कैसे बनी, क्या काम करती है, कौन चलाता है, कौन बनाता है, पृथ्वी का उदय कब हुआ, अंत कब होगा, कितनी बड़ी पृथ्वी है, पृथ्वी के बारे में सारी वो जिज्ञासाएं बात कर रहे थे। इसके अलावा उनके जो प्रश्न थे वो थे कि जो देवलोक है, देवलोक उसको बोलते हैं जहां अच्छे लोग और पंच सील पे चलने वाले जो लोग होते हैं, जिनको सुख और समृद्धि प्राप्त होती है, शांत चित होते हैं, वो जहां रहते हैं या वो जो उनके शरीर है, तो वो इसके बारे में बात कर रहे थे कि जो ये अच्छे लोग हैं, ये अच्छे लोग कब से हैं, कैसे हैं, क्या कारण है। और जो यमलोक है, यमलोक का मतलब है जो मार वाला क्षेत्र है, जहां बुराइयां हैं, क्रोध है, लालच है, जो यमलोक है, मृत्यु वाला लोक है, जिसमें जीवन खत्म होता है, क्षय होता है, बुढ़ापा आता है, उस लोक में क्या कारण है, क्यों बना वो, कैसे देवलोक से यमलोक में वो कन्वर्ट होता चला जाता है, और इसके क्या कारण है, ये कब से है, क्या इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, किसने की, क्या इसे कोई चलाता है या नहीं चलाता है, या भगवान बुद्ध जैसे कहते हैं ये स्वयं हेतुवाद से कारणवाद से चलता है, इसकी वो आपस में चर्चाएं कर रहे थे। साथ ही वो ये भी चर्चा कर रहे थे कि कौन है ऐसा जो धम्म पद को अच्छी तरह से समझ कर, देशित कर कर इन सब बाधाओं को दूर करेगा। ये बातें उनकी चल रही थी और भगवान बुद्ध जब वहां से जा रहे थे तो सारी बातें सुनने के बाद में उन्होंने ये गाथाएं भिक्षुओं से कही। गाथा इस प्रकार है, को इमं पथविं विचेसति यम लोकंच इमं स देवकं को धम्म पदं सुदेशितं कुशलो उफ्मेव पचेसति। इसका बहुत साधारण सा मतलब इस प्रकार है, को का मतलब जो होता है जहां के लग जाता है, को या किंग या कंग, इसका मतलब है कौन, कैसे, कहां। तो को का मतलब यहां है कौन, इमंग माने यह है, और पथविंग माने पृथ्वी, विचेसति माने जानेगा, समझेगा, चुनेगा या देखेगा, समझेगा। यमलोकंच, यमलोकंच का मतलब है यमलोक और चय, यमलोक चय यानी यमलोक, और यमलोक का मतलब जहां क्षय होता है शरीर का, जहां चीजें खराब होनी शुरू हो जाती हैं, डिके होनी शुरू हो जाती हैं, उस पूरे सिस्टम को, उस पूरे लोक को यमलोक बोलते हैं, मृत्यु लोक भी बोलते हैं। यमलोक और इमंग स देवकंग, इमंग माने यह है और स देवकंग माने जहां देवता रहते हैं, देवताओं का लोक। को धम्म पदंग सुदेशितंग, को माने कौन, धम्म पदंग माने धम्म पद को, सुदेशितंग माने सुदेशित, देशित माने देशना, यानी कि जो उपदेश दिए जाते हैं अच्छी तरह से उनको कौन देशित करेगा। कुशलो उफ्मीव पचेसति, कुशलो माने जो कुशल है, जो सक्षम है, जो अच्छी तरह से जानता है, उसको कुशल बोलते हैं, जो कुशल कार्यक्रम करता है या कुशल कार्य करता है उसको कुशलो बोलते हैं या कुशला, एक है तो कुशलो और बहुत सारे हैं तो कुशला। पुष्पमीव, पुष्पमीव का मतलब है फूल की तरह, पुष्प की तरह, पुष्पमीव। पचेसति, पचेसति का मतलब है चुनेगा, देखेगा, समझेगा या जानेगा, यानी वो कौन कुशल व्यक्ति है, कौन कुशल है जो
धम्म पद को अच्छी तरह से उपदेशित करेगा और उसको जानेगा समझेगा। ये पूरा का पूरा जो धम्म पद है ये प्रश्नवाचक है। इसी के साथ में इसी कथा में है धम्म पद नंबर 45 यानी 45 जो 44 की आंसर है, 44 का जवाब है। सेखो पथ विंग विचे सती यम लोक चे इमं से देवकं सेखो धम्म पदं सुदेशितं कुशलो पुफ निव पचे सती। सेखो जो शब्द है, सेखो का मतलब होता है, एक तो होता है शिष्य, शिष्य का मतलब होता है शिष्य जो होते हैं, जो पीपल होते हैं, जो चेले होते हैं, जो सीखते हैं किसी भी चीज को, और एक होता है सेखो। सेखो शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप जो बाद में संत हुए हैं और बाद में संतों की अगर वाणी देखेंगे तो उसमें सेखी है और सेखो शब्द बहुत है और सखी शब्द बहुत है। ये जो सखी, सेखो और सेखिये शब्द है ये पाली का शब्द है और बहुत इंपॉर्टेंट है। सेखो शब्द का मतलब है वो व्यक्ति या वो भिक्कु या भिक्कुणी जो अर्हत होने के निर्माण होने के लिए रास्ते मर है, उस रास्ते पर चल रहा है, उसको सेखो बोलते हैं। सेखो का मतलब है कि जो व्यक्ति धम्म के उस मार्ग पे चल पड़ा है जहां वो जीते जी दुखों से मुक्त होगा, अर्हत होगा और जो उच्चतम नॉलेज है, ज्ञान उसको प्राप्त करेगा, उस भिक्कुणी को या उस भिक्कु को, या अगर भिक्कुणी या भिक्कु नहीं है और कहीं कोई और परंपरा भी है और वहां अगर वो सीखता है तो उसको सेखो बोलते हैं। यानी सेखो एक तरह से संत से भी बड़ी उपाधि हो जाती है। तो सेखी या सेखो या इससे बहुत सारे शब्द हैं, और सिख और सिखक जो बना है वो भी सीखने वाले से बना है, जो सीखता है उसको सिख बोलते हैं या सिखक बोलते हैं। सेखो पथविंग विचे सती, यानी सेखो जो है वो पृथ्वी को विचे सती मतलब जानता है, देखता है, समझेगा या समझता है, यानी कि जो इस रास्ते पे आरोहण है, जो अर्थ होने वाला है या अर्थ के रास्ते पर है, वो पृथ्वी को जानेगा, समझेगा कि पृथ्वी क्या है और क्या नहीं है। यम लोक कंच इमं से देवकंग, यम लोक चे, यम लोक यानी कि वो मृत्यु को भी समझता है, जो शरीर खराब होता है प्राणियों का, जो वो बुढ़ापे में आता है या बीमार होता है या वो डेथ को प्राप्त होता है, या जो प्राणी होते हैं वो उस बात को भी समझता है। चे और से देवकंग, से देवकंग का मतलब है कि जो अच्छे लोग हैं, जो अच्छा काम करते हैं, उनकी अच्छाई कैसे काम करती है, उन देव जो लोग हैं उनको भी वो अच्छी तरह से समझता है, जानता है, देखता है। सेखो धम्म पदं सुदेशितं, सेखो यानी कि उस मार्ग पे, जो अर्थ होने के मार्ग पे, निब्बान प्राप्त होने के या जो मोक्ष प्राप्त होने के मार्ग पर चल रहा है, वो धम्म पद को अच्छी तरह से सुदेशित करेगा, अच्छी तरह से परिभाषित करेगा, अच्छी तरह से समझेगा, अच्छी तरह से बताएगा। कुशलो पुफमिव पचेसती, वही वो कुशल है जो कि फूल की तरह उसको चुनेगा, देखेगा, समझेगा। यानी ये दोनों जो कथाएं हैं और गाथाएं हैं, दोनों गाथाएं एक ही कथा की हैं। एक में प्रश्न करते हैं भिक्कु संघ जितना भी है वो 500 भिक्कुओं का, और दूसरे में जवाब है, यानी पहले में उनका सवाल है जो भगवान बुद्ध जिसको सुनते हैं, और दूसरे में भगवान बुद्ध उन सवालों के जवाब दे देते हैं कि अर्थ ही उस मार्ग पे चलेगा, वही पृथ्वी को समझेगा, वही धम्म पदों को अच्छी तरह से जानेगा, समझेगा, वही जो मृत्यु है मृत्यु के बारे में अच्छा ज्ञान प्राप्त करेगा और बताएगा, वही जीवन के बारे में अच्छा ज्ञान बताएगा, प्राप्त करेगा, चुनेगा, वही कुशल होता है। धन्यवाद। धम्मपद गाथा कथा नंबर 225। जो धम्मपद है उसमें बहुत सारे जो गीत हैं उनको पाली में गीता कहते हैं। एक गीत को कहते हैं गीतो, और बहुत सारे क्योंकि इसमें 423 गीत हैं तो इसको धम्मपद गीता बोलते हैं, यानी जिसमें गीत बहुत सारे स्थापित हैं, रखे हुए हैं। इसका जो गीत नंबर यानी कि जो धम्मपद नंबर 225 है उसके अनुसार भगवान बुद्ध साकेत आते हैं, साकेत में रहते हैं, साकेत में वास करते हैं, अंजन वन में वो ठहरते हैं, क्योंकि वो हमेशा खुले स्थानों में रहे हैं, या तो कोई राम रहा है यानी कि जैसे निगोध राम, या जैसे
जो संघा राम है या जो जैतवन राम है या जो उब्बा राम है, ऐसे राम का मतलब बगीचा होता है। कई बार इसको आराम भी बोलते हैं, आ इसमें साइलेंट होता है। तो जैतवन राम मतलब जैतवना राम। तो वहां वो अंजन वन में रहते हैं, अंजीर के वन होंगे तो इसने अंजन वन बोल दिया, अंजन वन में रहते हैं। तो वहां एक बूढ़ा आता है, बूढ़ा भगवान बुद्ध को अपने यहां खाने के लिए आमंत्रित करता है, निमंत्रित करता है। और बूढ़ा कहता है कि तुम इतने दिन बाद आए हो, अपने पिता का तुम ध्यान नहीं रखते हो और तुम्हें पिता की कोई भी परवाह नहीं है, मैं यहाँ कष्टों में हूँ। जब वो भगवान बुद्ध भिक्षु संघ के साथ घर जाते हैं तो वहाँ जो बूढ़े की पत्नी होती है वो भी यही कहती है कि तुम्हें अपनी माता का ख्याल नहीं है, इतने दिनों बाद आए हो और कोई ख्याल नहीं रखते हो तुम अपने माता पिता का, हम कितने कष्ट में हैं। तो भिक्षु संघ वहाँ पर भोजन करता है और भगवान बुद्ध उस समय साकेत में देशना देते हैं। बेसिकली साकेत का मतलब होता है साक्यों का खेत, साक्यों के खेत से साकेत शब्द बना हुआ है, पुराना है, क्योंकि तो साक्य थे, उनका खेत था, वो खेत में काम करते थे, तभी सारे खेत लगभग साक्यों के उस क्षेत्र में रहे हैं, तो इसलिए साक्य खेत बोलते हैं। तो इस गाथा के अंदर एक शब्द बहुत कमाल का है, ये बात तो इसमें कमाल की है ही कि ये गाथा इस बात को सिद्ध करती है कि भगवान बुद्ध साकेत में रहे, साकेत में देशना दी। और अंजन वन आज तो नहीं कह सकते कि वो अंजन वन कौन सा है, जहां अंजीर होंगे, अंजीर के पेड़ होंगे, वो अंजन वन होगा वहां पर, या जो वहां के पुराने लोग हैं वो जानते होंगे कि यहाँ अंजीर के पेड़ कहाँ 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 या अंजन के पेड़ कहाँ कहाँ रहे हैं तो बता सकते हैं, या कोई ना कोई जगह साकेत में अंजन के नाम से जरूर होगी, जो अंजन गंज या अंजन मोहल्ला या अंजन नगर या अंजन गांव या अंजन के नाम से कुछ ना कुछ रहा जरूर होगा, या अंजन का अंजनी बन गया होगा या अंजना बन गया होगा या अंजन बन गया होगा, होगा कुछ ना कुछ जरूर, क्योंकि पुराने जो नाम है वो इतनी आसानी से खत्म होते नहीं। दूसरा इसमें एक शब्द बहुत है कि जो ये गाथा है वो गाथा मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, पढ़ के सुना रहा हूँ, उसमें एक शब्द आएगा बड़े कमाल का है, वो उससे ज्यादा कमाल का है। ए हिंसका ये मुनियों निचंग कायेन संभुता, ये यंती अच अच्युतंग थानंग यथ गणत्वा न सोचरे। अहिंसका ये मुनियों निचंग कायेन संभुता ये ते यंती अच्युतंग, ये जो अच्युतंग थानंग है इसमें जो अच्युत शब्द है ये बहुत कमाल का है। ये इसलिए कमाल का है क्योंकि पाली सारे तालों की चाबी है, भगवान बुद्ध के जितने शब्द हैं वो कहीं ना कहीं आज भी इस्तेमाल होते हैं। आपने एक शब्द सुना होगा जो बहुत चलता है, अछूत। दरअसल अछूत जो शब्द है पाली में उसको अच्युत बोलते हैं, यानी कि अच्युत का मतलब हो गया जो गिरा हुआ ना हो, जिसको संस्कृत भाषा में बोलते हैं च्यूत। और ये जो शब्द है जैसे कहते हैं वो च्युत हो गया यानी स्कृत हो गया, गिर गया, इसका मतलब है गिरा हुआ, गिरना। तो अगर ए लगा देते हैं इसका मतलब न गिरा हुआ, तो हो गया अच्युत। तो अच्युत का अछूत बना है, तो अच्युत का मतलब होता है अच्युत थानंग का मतलब है जो स्थान नहीं गिरा हुआ है। अब वो स्थान कौन सा नहीं गिरा हुआ है, वो है जो बहुत ऊंचा स्थान है, यानी जो गिरा हुआ नहीं है वो ऊंचा है, उसको निब्बान पद बोलते हैं, मुख पद बोलते हैं। निब्बान पद को और मुख पद को ना गिरा हुआ पद ही बोलते हैं, यानी कि बहुत ऊंचा पद ही बोलते हैं, और इसको बोलते हैं अच्युत थानंग, थानंग मानंग स्थान। तो अच्युत से बना हुआ है अछूत, यानी जितने भी लोग भारत में अछूत हैं इसका मतलब वो गिरे हुए लोग नहीं हैं। अछूत का मतलब या अच्युत का मतलब अनटचेबल नहीं होता, क्योंकि पाली के अंदर जो टच है यानी जो जिसको छूना बोलते हैं उसको फस बोलते हैं। फस और अफस, यानी फस माने छूना हो गया और अफस माने जो स्पर्श ना कर सके, तो फस का मतलब स्पर्श होता है। और जो खाली छू है या छूती है उसका मतलब छूना नहीं है, वो कुछ और मतलब में आता है। स्पर्श को या टच करने को या जो आज के समय में हम छूना बोलते हैं उसको बोलते हैं फस बोलते हैं, और जिसको ना छूना हो उसको अफस्सा बोलते हैं या अफस बोलते हैं। तो ये जो अछूत वर्ड है ये पाली के अच्युत से बना हुआ है, और अच्युत का मतलब है कि जो गिरा हुआ ना हो, जो बहुत ऊंचा हो। बाद में इसकी ऊ की मात्रा बदल के इसको गाली भी बनाने की
कोशिश की गई जो आज तक गाली है, जबकि वो गाली नहीं, क्योंकि पाली में जितने भी ऊंचे शब्द हैं उन सबको गाली ही बाद में बनाया गया है। ये एक कमाल की बात है, क्योंकि जो पुरानी भाषा है अगर उसको खत्म करना हो तो उसके उच्चतम शब्दों को गाली बना दो। तो जितने भी अछूत लोग हैं जो अपने आप को अछूत कहते हैं वो बेसिकली पुराने अछूत वर्ड हैं और शब्द हैं, उसी के हिसाब से वो बनते हैं। तो इसका क्या मतलब है? अहिंसका ये मुनियों, अहिंसका ये मुनियों का मतलब है जो मुनि अहिंसक है, यानी जो हिंसा नहीं करते। मुनि माने जो बहुत ज्यादा अच्छे लोग हैं, जो साधना वगैरह करते हैं, जो अच्छे लोगों में आते हैं उनको मुनि बोलते हैं। भगवान बुद्ध को भी मुनि बोलते हैं। निच्चंग कायन संभूता, निच्चंग माने है प्रत्येक को, यानी रोजाना। कायन माने शरीर से और संभूता माने संयम, यानी कि जो शरीर से रोज लगातार संयम है, संयमित रहते हैं, हिंसा नहीं करते। ते यंति अच्युतं ठानं, ते यंति अच्युतं ठानं का मतलब है वो प्राप्त करते हैं नए गृह हुए स्थान को, यानी उच्च स्थान को प्राप्त करते हैं, यानी निब्बान को प्राप्त करते हैं। यत गणत्वा न सोचरे, यत माने गणत्व माने करकर और यत माने हैं जिसे, जिसे करकर न सोचरे, जिसे करने के बाद में वो चिंता में नहीं पड़ते, नहीं सोचते। ऐसा भगवान बुद्ध उस जो बूढ़ा और बुढ़िया है उसको बोलते हैं कि आप हिंसा को त्याग दीजिए और मुनियों को काया से संयत रहना चाहिए। ये आपकी दिक्कत है कि आप बहुत ज़्यादा बड़बड़ाते हैं, पूरे दिन बड़बड़ाते रहते हैं, पूरे दिन आप कुछ ना कुछ काया से कहते रहते हैं, कभी किसी को कुछ, कभी किसी को कुछ, इसको छोड़ दीजिए। तो आप जो अच्युत स्थान है, जो निब्बान का स्थान है, जो बहुत ऊँचा स्थान है, उसको प्राप्त कर लेंगे, फिर आपको सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। भगवान बुद्ध के जो शिष्य थे उन्होंने ये कहा कि ये बेटा और बेटी, ये बेटा क्यों कहा, बूढ़ी ने भी और बूढ़े ने भी इनको बेटा क्यों कहा? भगवान बुद्ध ने बताया कि इनकी उम्र ज़्यादा है और उम्र ज़्यादा के हिसाब से कह सकते हैं। कई कथाओं में ऐसा भी आया है कि पूर्व जन्म में पुराने समय में ये उनके माता पिता रहे हैं, बूढ़े बूढ़ी, ऐसा भी वो बताते हैं। क्योंकि वो हमने देखा नहीं है, भगवान बुद्ध ने कहा है कि जो आपको समझ में ना आता हो और जो ज्ञान खरा ना उतरता हो उसको मानने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए हम ये मानते हैं कि उम्र के हिसाब से उन्होंने बेटा बेटी कहा है। पर इसमें दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो भगवान बुद्ध साकेत आए और दूसरा इसमें जो अछूत लोग हैं, जो अछूत होते हैं वो बहुत ऊंचे स्थान वाले लोग होते हैं, ऐसा स्थान जो निब्बान को प्राप्त करने के बराबर या निब्बान का स्थान है। धन्यवाद। आप सभी से ये निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी हैं और आपको लगता है कि धम्म की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भाषा में कन्वर्ट करके आगे बढ़ानी चाहिए या प्रिंट में किताब में छापनी चाहिए या इसकी जो ऑडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपको लिबर्टी है, आपको छूट है, ये सभी कॉपीराइट फ्री हैं। आप अपने फेसबुक पे, अपने पेज पे, अपने ट्विटर पे या अपने हैंडल पे या लिंक को कहीं भी शेयर कर सकते हैं, कहीं भी चला सकते हैं, आप यूट्यूब पे भी चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं। इसके लिए इजाज़त लेने की या परमिशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप इसको अपना मान के चलाएं, क्योंकि धम्म सबका है, हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुरुषों का है, उन्हीं की बात को सरल भाषा में बताते हैं। हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं, बाकी सारी ये पूंजी आपकी है। धन्यवाद। Yeah.